दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है कोयला कैसे बनता है? शायद नहीं मालूम होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितना मुश्किल से कोयले को निकाला जा रहा है, और आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कोयला कैसे बनता है। बस आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी मालूम चले कितने मुश्किल से बनता है कोयला। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज हमारी दुनिया में रिसोर्सेज का कितना ज्यादा महत्व है, और कोयला तो इतना ज्यादा जरूरी है कि लोग इसे ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहते हैं। लेकिन यह सवाल ये आता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाने वाला ये कोयला आखिर बनता कैसे है, और इसे बनने के बाद इसे खदानों से कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों इन सारी चीजों को जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको कोयले के बनने से लेकर उसके खदान से निकलने तक के हर एक प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये कोयला होता क्या है, जो आज से लाखों करोड़ों सालों पहले भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद था, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हुआ करते थे। ऐसे में जब ये सारी चीजें मर जाती थी तो ये पूरी तरह से खत्म नहीं होती थी, बल्कि मिट्टी के साथ मिल जाती थी। जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों सालों में पृथ्वी में कई सारे बदलाव आए, जहां पर ग्राउंड की मूवमेंट हुई, जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो मिट्टी में मिले हुए पेड़ पौधे और जीव थे, जहां हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण उनमें कई सारे केमिकल चेंजेस आए, और उन्हीं केमिकल चेंजेस की वजह से वो कंपाउंड्स में बदल गए, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हुआ करती थी और बहुत कम मात्रा में सल्फर और मैग्नीशियम पाए जाते थे। और इन सारी चीजों का जो फाइनल कंपाउंड बनकर निकलता था उसे हम कोल यानी कोयला कहते हैं, जिसे अगर हम साफ शब्दों में कहें तो कुछ नहीं बल्कि लिविंग मैटर का डिकम्पोज्ड और डिग्रेडेड फॉर्म होता है, जिसे एक या दो साल में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसे बनने में कई सालों का वक्त लगता है, और सालों तक होने वाली केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप ही हमें कोयला प्राप्त होता है, जो आज बहुत ही बड़ी मात्रा में फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये जलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम अलग अलग तरह की चीजों में करते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे कि आखिर कोयला बनता कैसे है। दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर कोयले को निकालते कैसे हैं। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, और यहां पर कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं जिनमें लाखों मजदूर हर रोज काम करते हैं। कोयला निकालने के लिए इन मजदूरों को लगातार कई कई घंटों तक काम करना पड़ता है। अब इन खदानों में से कुछ खदानें जमीन के ऊपर होती हैं, कुछ जमीन के कई फुट नीचे होती हैं, जिनमें काम करना जीते जी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। लेकिन बेचारे मजदूर कर भी क्या सकते हैं, अगर दो वक्त की रोटी कमानी है तो इस खतरनाक काम को करना ही पड़ेगा, जहां मजदूरों को पाताल की गहराई में जाकर अपने काम को अंजाम देना होता है। ये जो छोटी सी ट्रॉली आपको दिखाई दे रही है, यही ट्रॉली मजदूरों को नीचे खदान में लेकर जाती है, जहां पर पूरे साल काम चलता है, वो भी बिना रुके। अब आप समझ गए होंगे आखिर इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि कोयला निकालने के लिए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इस टेक्निक में कोयले को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से निकाला जाता है और बाकी के कोयले के पिलर को टच नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं तो छत का गिरना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसकी वजह से कई सारे मजदूर मारे भी जाते हैं। इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल करके छत के गिरने की संभावनाओं को कम कर दिया जाता है, और इस कंडीशन में छत को सपोर्ट देने के लिए ड्रिलिंग एंड रूफ प्लेटिंग ऑपरेशन की सहायता ली जाती है। इस टेक्निक में ड्रिल मशीन की सहायता से छत में ड्रिल की जाती है और उसमें मेटल के रोड को डाला जाता है ताकि छत को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, और फिर अगर छत टूटकर गिरती है तो छोटे छोटे टुकड़ों में गिरेगी, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम रहेगी। आइए बात करते हैं डी पिलरिंग मेथड के बारे में। इसमें पिलर सेक्शन का कोयला निकाला जाता है और छत को टूटने दिया जाता है, और टूटकर इसे डिकोडेड एरिया में गिरने दिया जाता है, जिसे गुफ कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है सैंड स्टोरिंग की, जिसमें गुफ के खनन किए गए कोयले के हिस्से में रेत वापस भर दी जाती है, जिससे जमीन की सतह के ऊपर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना ना हो, और यह सब कुछ मजदूरों की सुरक्षा के लिए होता है। बात करते हैं कोयला निकालने के सबसे अहम काम के बारे में, जिसमें कोयले की दीवारों में ब्लास्ट करके कोयला निकाला जाता है। इस प्रोसेस में कोयले की दीवारों में ड्रिल मशीन से ड्रिल करते हैं और फिर उसमें विस्फोटक रखे जाते हैं। विस्फोटक की मदद से जब विस्फोट किया जाता है तो काम करने वाले वर्कर्स को पहले ही सिग्नल दे दिया जाता है कि वो दीवार से दूर चले जाएं, क्योंकि हल्की सी भी चूक हो गई तो मजदूरों की जान जा सकती है। और जब ब्लास्ट हो जाता है तो कोयले के टुकड़ों का ढेर बन जाता है, जिसके बाद कोयले को ट्रॉलियों में लोड कर दिया जाता है। फिर जितना भी कोयला निकाला जाता है उसे माइन से बाहर निकाल देते हैं।
जिसके बाद ट्रक वगैरह की मदद से इसे मालगाड़ियों तक पहुंचाते हैं और वही मालगाड़ियां इस कोयले को थर्मल एनर्जी प्लांट तक ले जाती हैं, जहां पर इस कोयले से बिजली बनकर तैयार होती है और लाखों करोड़ों घरों को रोशन करती है। हमें पता है ये पूरा प्रोसेस सुनने के बाद आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस काम में हर वक्त जान का जोखिम बना रहता है, क्योंकि एक मजदूर जब खदान के अंदर जाता है तो उसे पता नहीं होता कि वो कभी खदान से वापस जिंदा लौट पाएगा या नहीं। इसलिए बहुत से लोग खदान के दरवाजे को पाताल द्वार भी कहते हैं। और आप आए दिन कोयला खदान में होने वाले हादसों के बारे में तो पढ़ते ही होंगे। खदान में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से हर साल हजारों लोग मारे जाते हैं। कभी जमीन धस जाती है तो कभी ट्रॉली टूट जाती है, कभी मजदूर दम घुटने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, तो कई बार विस्फोट के कारण मजदूर काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इन सब के अलावा खदान के अंदर एक मजदूर के घायल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, पर फिर भी मजदूर अपना और अपने परिवार वालों का पेट पालने के लिए खदान के अंदर काम करने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन खदानों के अंदर काम करने और अपनी जान की जोखिम उठाने के लिए उन्हें कितना पैसा मिलता है? मात्र 100 से 150 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस 100 रुपए में आज के जमाने में 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिलता, उसी 100 रुपए के लिए मजदूर अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।